तीसरी जमात की तालबा अलीशा घर का सामान लेने निकली और फिर वापस ना आई। अहले खाना इसको तलाश करते रहे और नाकामी पर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने इस शिकायत को सरसरी लिया और अहले खाना को इंतजार करने की तलकीन कर दी। इसी इंतजार में एक दिन गुजर गया और पता चला कि शादबाग में ही वाकया एक गोदाम में किसी बच्ची की लाश पड़ी है। अलीशा के वालदैन पुलिस के हमराह वहाँ पहुँचे और उन्होंने इसको अपनी बेटी की हैसियत से शनाख्त कर लिया। वालदा और बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि जीती जागती गुड़िया किस हाल में वापस मिली। असरा मेरी धी ना जिस तरह आया उस तरह किसी नाल भी हो सकता है, उठा देना चाहिए, खत्म कर दो। तीसरी पढ़ती सी यूनिक स्कूल पढ़ती सी मेरी बच्ची, मैनू इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। बस जिस तरह मेरी धी नाल होई है उस तरह ही वो ज्यादा हो, मेरे सामने हो, मैनू भी पता लगे कि मेरी बच्ची ने मेरे नाल इंसाफ होया। अज उन्हें मेरी भैन ना किया, कल किसी की बच्ची नाल करेगा, कल किसी होर ना करेगा, लेकिन है कि काम नहीं चंगा। सिर्फ मैं ही दुआ मेरे हाथ जोड़ के करनी है, मेरी भैन इंसाफ दियो। पुलिस के मुताबिक अलीशा को अगवा के बाद दरिंदगी का निशाना बनाया गया और इसके बाद इसको कत्ल कर दिया गया। इस अलमनाक वाकये की इत्तला मिलते ही एमपीए चौधरी शहबाज भी शादबाग पहुंच गए। उन्होंने यकीन दिलाया कि कमसिन तालबा के कातिल को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। अब हम किसी पे शक नहीं कर सकते, ए ने किया, बी ने किया, सी ने किया, पुलिस अभी पर्चा भी दर्ज हो गया है, अभी एसपी साहब, ये सारी पुलिस अपनी कर रही है। हमने उन्हें फोन किया कि आप बगैर किसी के दबाव के जिसको मर्जी तफ्तीश करें और जो हमारे ज्यादा हुई इस बच्चे के केस में उसे इंसाफ चाहिए। अलीशा के वालदैन का कहना है कि अगर पुलिस इनकी बेटी की गुमशुदगी की इत्तला पर फौरी मुतहरक होती तो शायद अलीशा इस दरिंदगी का शिकार ना होती। कैमरामैन बिलाल जफर के साथ वसीम रियाज सिंधु, सिटी 42।